हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। वापस से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मेरे पास है आईफोन 13 और आईफोन 13 से मैं आज टेस्ट करूंगा कि ब्लॉगिंग कैसा होता है। ऐसे तो मैं अभी जो कैमरा से शूट कर रहा हूँ ये तो आईफोन 11 है। तो गाइस, ये रहा मेरे पास आईफोन 13 और इसी से अभी 4K 60fps में मैं शूट करूंगा आईफोन 13 में। वो जो अभी का जो शूटिंग हो रहा है ये आईफोन 11 से हो रहा है, तो इसमें देखेंगे अभी कितना डिफरेंस आपको मिलता है, आप देखते रहेंगे। ये है आईफोन 13 और मैं ऐसा कर लिया इसको और अभी बताएंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये आईफोन 13 से और 60fps 4K में शूटिंग हो रहा है। अभी आगे जितना होगा इसी आईफोन 13 से शूटिंग होगा। तो देख सकते हो अभी तो मैं एक जगह पे आया हुआ है, मानस आया हूँ कुछ कारण से, ब्रो को साथ में लेके आया हूँ, फोटोशूट करना है, रील्स भी बनाना है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप भी देखते रहिए कि आईफोन 13 से कैसा क्वालिटी आता है, कैसा कुछ होता है, क्या होता है, तो देखते रहिए। तो गाइस आते आते एक बहुत ही अच्छा सा लोकेशन पर आए हूँ, काफ़ी सुंदर सा व्यू है, मैं दिखाता हूँ इस साइड में। देखो ना गाइस, देखो ना एक बार, देखो तो नजरिया, वाओ माय गॉड, वाओ, काफी खूबसूरत प्लेस है। और यह का जो पानी है, पानी भी काफी साफ है, नीचे का पत्थर दिखता है। ब्रो अगर हमारे पास बोट होता और बोट इससे राइड करके ये इस जो छोटा सा नदी है इसके अंदर अंदर जाने से कितना अच्छा लगता। उधर एक मगरमच्छ मिलता है हमको, हाय हेलो बोलता है। मैं भी मिल सकता है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। मैन वर्सेस वाइल्ड में जैसे जाते हैं मुझे लग रहा है कि मैं जाऊँ अंदर जाके देखूँ वहाँ पे क्या दिखता है, क्या मिलता है ये इससे नीचे नीचे। तो गाइस मैं जो आईफोन 11 खरीदा हूँ वो तो आपको दिखाया ही नहीं, तो ये सांस मिला है कि आईफोन 11 भी, मेरा जो आईफोन 11 है वो भी आपको दिखा दूँ। ये है आईफोन 11 ये, और इसको थोड़ा अभी खोल के आराम से दिखाते हैं ये। तो गाइस ये जो मोबाइल है ये आईफोन 11 है, ये वाला मेरा मोबाइल है। और इसको इसका जो फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो 128GB स्टोरेज वाला जो है वो, और इसको इसके साथ देखो आईफोन के साथ क्या आता है, एक सिर्फ केबल आता है। तो एक केबल और इस मोबाइल को ख़रीदा हूँ, 50,000 गया है मेरा, टोटल मेरा 54,000 गया है अभी तक, क्योंकि मैं एडाप्टर खरीदना पड़ा उसमें 2,000 गया और जो ईयरफोन खरीदा उसमें 2,000 गया, टोटल मेरा कॉस्ट हुआ 54,000। तो ऐसा कुछ है इसका लुक्स, ये ब्लैक वाला, मुझे लगा था कि ब्लैक कुछ अलग ही होगा, दिखने में मज़ा नहीं आएगा, पर ये जो ब्लैक है ये कुछ अलग ही ब्लैक है, मज़ा आता है, ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है। ये है बैक साइड का जो व्यू। आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग का जो टाइटल है, टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ आईफोन 13 जो कि आइजुल ब्रो का है, उसका 13 को टेस्ट कर रहा हूँ कि उससे ब्लॉगिंग कैसा होता है। और इस ब्लॉगिंग के थ्रू मैं मेरा आईफोन को भी दिखा दिया, मेरा 11 जो है ये भी दिखा दिया। फोन 13 जो कि आइजुल ब्रो का है, ये हैंडसम लोगों का हैंडसम मोबाइल, ये मोबाइल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, आईफोन 11 से थोड़ा सा छोटा है ऐसा है, यूज़ करने में पर मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये अभी देख सकते हो इसका लुक्स, देखो ये कैमरा, और इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है तो ऐसा थोड़ा ये दिख रहा है, अगर कवर खोल दूंगा तो बहुत ही साफ सुथरा दिखेगा। तो गाइस हम दोनों का आईफोन लेने में हम दोनों का एक एक किडनी चला गया। यही नहीं अभी और सुनिए, और मेरा जो बाकी बचा था वो मैंने अपने बाइक पर लगा दिया, और नूर का तो बाकी बचा ही नहीं, बचा ही नहीं उसका, उसका 50,000 उसका किडनी का दाम है, उसका बचा ही नहीं, 11 लेने में उसका सारा पैसा चला गया।
गाइस आते आते एक अच्छा सा लोकेशन पर आया हूँ। यहाँ से फोटो खींचने में काफी अच्छा फोटो आएगा। ये लोकेशन जो है ये काफी अच्छा सुंदर है। पीछे जो पहाड़ भी दिख रहा है और नदी भी है साइड में, तो काफी अच्छा दिख। ये लोकेशन फोटो खींचने के लिए काफी मजेदार है। मैं थोड़ा और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ।